एल्बम एंड द सक्सेस, यू नो, हाउ डिड इट रियली स्टार्ट? लेकिन बताइए आप. मैं शुरू करूँ जी? अच्छा ठीक है. ही इज द क्रिएटर ऑफ द सॉन्ग, बट सिंस ही टोल्ड मी टू टॉक फर्स्ट, इट बेसिकली स्टार्टेड ऑफ विद अ सीड, जो एक सिंपल सी कॉन्वर्सेशन थी कि बारिश पे कोई गाना बनाते हैं, क्योंकि रेन्स इवोक रोमांस, रेन्स इवोक क्रिएटिविटी, और अच्छे गाने सुनना जैसे बारिशों में हमको अच्छा लगता है, कुछ लोग अच्छे गाने बनाते हैं बारिशों में, तो ही इज़ वन ऑफ दोज पीपल. तो वैसा ही एक थॉट था कि ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या. तो ऑब्वियसली आई वॉज, रेनी सीजन इज़ ऑल्सो वन ऑफ दोज टाइम, वन ऑफ माई फेवरेट टाइम्स ऑफ द ईयर, तो इसलिए मैंने इमीडिएटली कहा कि बिल्कुल क्यों नहीं. तो उसके बाद स्टेज बाय स्टेज एक गाना उन्होंने बनाया, और जब मैं रिकॉर्ड करने गई तो काफ़ी चैलेंजेस का सामना मुझे करना पड़ा, बिकॉज दिस इज़ अ स्टाइल आई हैव नॉट ट्राइड पर्सनली एज अ सिंगर. सो उस वोकल कल्चर को लाने के लिए मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, और उनके गाइडेंस के बगैर मैं नहीं कर पाती, ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि कुछ सिंगर्स के उदाहरण उन्होंने दिए, जो सिंगर्स ऐसे हैं कि वो पहले इस स्टाइल में, इस स्टाइल को बाखूबी निभा चुके हैं. सो उनका एग्जाम्पल्स जब मुझे मिला, तब मुझे आई गॉट अ लिटिल बिट ऑफ क्लैरिटी कि मुझे किस तरह से अप्रोच करना है इस चीज़ को. देन आई थिंक आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट, किस हद तक निभा पाई हूँ मुझे नहीं पता, वो ये बताएंगे, लेकिन आई इन्जॉयड माई सेल्फ रिकॉर्डिंग लेट इट रेन. और ये ऑडियो पार्ट हो गया. उसके बाद शूटिंग की जब बात आई, तब वो एक अलग ही किस्सा था, बिकॉज ही वॉन्टेड एक्चुअल रेन सीक्वेंसेज इन द सॉन्ग, इन द वीडियो, और जहाँ पे रेन मशीन के बगैर हमने शूट किया, तो उसके लिए काफ़ी ट्रिकी कुछ चीज़ें, यू नो, सोचना आसान है लेकिन एग्जीक्यूट करने जाओ तो उसमें काफ़ी मुश्किलात आती है. तो इसके लिए एक्चुअल रेन्स का इंतज़ार करना पड़ता है कि कब बारिश आएगी, और बारिश आएगी भी या नहीं, तो इट्स नॉट ऑलवेज एक्यूरेट विद द फोरकास्ट. सो लाइटिंग का भी कुछ इशू रहता है, जो बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में फिक्स करना पड़ता है, क्योंकि कभी धूप निकल जाती है, कभी बारिश आती है, तो इस तरह से दैट डे वाज आई थिंक लाइक दैट व्हेन वी शॉट. धूप छाव का दिन था जी, धूप छाव का दिन था, और चार दिन तक हमने लगातार अलग अलग लोकेशंस में जाकर शूट किए, तो काफ़ी मेहनत किया है. एंड बट द शूटिंग पार्ट, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई इन्जॉयड माई सेल्फ, बिकॉज मैंने थोड़ी बहुत एक्टिंग करने की भी कोशिश की है, लेकिन देखते हैं इसके बाद जब गाना देखेंगे सब, तब पता चलेगा. बट आई एंजॉयड माई सेल्फ इन द एंटायर प्रोसेस. और अभिषेक जी, आपने जंगल को ही शूटिंग के लिए क्यों चुना, क्यों, क्या आप प्रकृति से इतना कुछ ज़्यादा ही गहरा लगाव हो गया? ये गाना तो मैंने जंगलों में शूट नहीं किया, ये गाना तो मैंने बीचेस पे शूट किया, मालाबार कोस्ट पे. यस, पर हाँ, कुदरत मेरे लिए सबसे, मेरी ज़िंदगी की सबसे गहरी चीज़ है, सबसे गहरा रिश्ता मेरा कुदरत से है. और जैसे कि आपने देखा कि मैंने अपनी ज़िंदगी की सारी पूंजी जो है कुदरत को बचाने के लिए उसका इस्तेमाल किया, और एक बंजर पहाड़ी को जंगल में परिवर्तित किया. पर ये गाना जो है बारिश का गाना है, और इत्तेफाकन मेरी ज़िंदगी का जो पहला एल्बम था गुलजार साहब के साथ, वो मुझे लाए थे इंडस्ट्री में. तो गुलजार साहब के साथ जो मेरा पहला एल्बम था, उसका नाम भी बारिशों पे ही था. उस एल्बम का नाम था उदास पानी, कि आसमान से टपकते हुए जो पानी है उसको गुलजार साहब उदास पानी कहते हैं. तो तभी से बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ. उसके बाद बहुत से गाने बनाए, बहुत सी फिल्में की, लेकिन मन में एक बेताबी थी कि एक खूबसूरत सा डुएट जो बारिशों पर न्योछावर हो और बारिशों के मिजाज का हो, वैसा गाना बनाए. तो इस साल वो ख्वाब, वो अरमान पूरा हुआ, और एक खूबसूरत सा गाना बनाया जिसमें अन्वेषा का एक संपूर्ण नया वोकल कल्चर आपको सुनाई देगा. दिस इज बेसिकली एन इंग्लिश सॉन्ग, आई मीन इट्स कंपोज्ड, अरेंज्ड एंड प्रोग्राम्ड लाइक एन इंग्लिश सॉन्ग. इट इज आल्सो रिटन बाय हिम. सो इतने कम समय में गाना लिखना, कंसीव करना उसको, मतलब यू नो हाउ यू डिड दैट? तो एज अ कंपोजर दो तरह से मेरे पास धुनें आती है आसमानों से. धुने कब कहाँ आ जाए उसका कोई लिखित या कोई ग्रामेटिकल रूल नहीं है. नहाते हुए, गाड़ी चलाते हुए कभी भी धुन आ सकती है. तो कभी कभी धुने सिर्फ बेर धुने आती है जहन में, कभी कभी धुने जो है शब्दों के साथ आ जाती हैं. तो ऐसे में जो है लिरिक्स और कॉम्पोजिशन एक साथ टपकते आसमान से. तो इस गाने के साथ भी ऐसा ही हुआ, बारिश की बूंदों की तरह. तो गाना मुझे अलग से लिखना नहीं पड़ा, जब मैंने कंपोज किया उसके साथ साथ वर्ड्स आते गए, मैंने पिरो लिए उनको,
फिर मैंने उसको अरेंज किया प्योरली यूजिंग ड्रम एंड बेस एंड अ लिटिल बिट ऑफ पियानो सम म्यूटेड गिटार एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग सब बेस लाइन. एक इंस्ट्रूमेंट ऐसा है इसमें जिसका प्रयोग हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कमी होता है. इसको माफ कर दे एक सेकेंड डिस्टर्ब कर दिया मेरी ही गलती है मैं इसको सुधार के आता हूँ. जी तो गाने के कॉम्पोजिशन और लिरिक्स के बाद अगला पड़ाव था गाने को अरेंज करना. तो क्योंकि एक बहुत ही ज़्यादा वेस्टर्न जैज काइंड ऑफ अ कॉम्पोजिशन है और इसमें ड्रम एंड बेस का प्रयोग है तो जो साधारण वॉइस कल्चर है जिसमें अन्वेषा ने बहुत गाने गाए हैं अलग अलग फिल्मों में उनका जिस वॉइस कल्चर के लिए जानी जाती है इस गाने में उसको हमने तोड़ा है एंड वी हैव यूज्ड अ कम्प्लीटली डिफरेंट रेशेदार वॉइस कल्चर एंड शी इज़ नॉट सिंगिंग हाई अप देयर शी इज़ सिंगिंग मोर इन द लो मिड्स. तो उस पर हमने काफ़ी मनन किया उस पर हमने चिंता की और उसको हमने एग्जीक्यूट किया जो गाने के तेवर के साथ जाए. और इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन अरेंजमेंट्स में भी कुछ नायाब बातें हैं. इट्स अ वेरी मिनिमलिस्टिक सॉन्ग इट्स बेसिकली ड्रम एंड बेस विथ अ लिटिल बिट ऑफ पियानो दैट आई हैव प्लेड एंड सम म्यूटेड गिटार्स. और एक नए इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग है जिसको कहते हैं सब बेस. एंड सब बेस इज एन इंस्ट्रूमेंट विच एक्चुअली प्लेज वन ऑक्टिव बिलो द बेस गिटार. तो जब हम गाते हैं कई बार जो मुखड़ा है गाने का उसमें सिर्फ आवाज़ और सब बेस है उसके अलावा कुछ भी नहीं है. तो एक थोड़ा सा साहसी एक्सपेरिमेंट था ये गाना. और जब गाना बन गया तो उसके बाद अगला चैलेंज था कि ऐसे एक बरसात के गाने को कैसे शूट करें. और आपको पता है कि नॉर्मली इन अ नॉन फिल्म सिंगल हम रेन मशीन उस तरह का ताम झाम यूज़ करके गाना बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है 3-4 दिनों में. तो हमने सहारा लिया फिर से कुदरत से आसमानों से और हमने ये चाहा कि कभी कभी आप बरस जाएं और हम आपको शूट कर लें. तो इस गाने को उस तरह से धूप छाँव में कभी धूप कभी छाँव अलग अलग लोकेशंस पे खूबसूरत मालाबार कोस्ट पे पुराने किलों में बीचेस में हमने शूट किया और बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों में शूट किया बिकॉज समटाइम्स इट वॉज रेनिंग समटाइम्स इट वॉज क्लाउडी समटाइम्स इट वॉज सनी एंड देर आर लॉट ऑफ एक्शन शॉट्स ऑल्सो इन विच वी आर रनिंग एंड यू नो देर अ मूविंग ट्रैक ट्रॉली कैमरा एंड सो वाइल डायरेक्टिंग दिस वीडियो वी आई एनकाउंटर अ लॉट ऑफ चैलेंजेस. बट सबसे मुश्किल था कि बीच में लिपसिंग करते हुए जब अचानक बारिश आ गई और बारिश का सामना करते हुए आंखें खोल के एक्सप्रेशंस देते हुए और बहुत मूसलाधार बारिश थी इट वॉज अ लॉट ऑफ रेनफॉल वी फेस दैट एंड वी डिड द सॉन्ग. और आप विजुअली देखेंगे तो आपको वो दूर तक बारिश होती हुई नज़र आएगी इस गाने में और वही इस गाने की खासियत बन गई है. तो हाँ जैसे कि आपने बोला कि रोमांस पे बहुत से रेन सॉन्ग्स बने हैं रिम झिम गिरे सावन प्यार हुआ इकरार हुआ तो लेजेंडरी गाने हैं इसमें. लेकिन अगर आप इस गाने को सुनेंगे तो वो सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं रेन सॉन्ग के उसको हमने तोड़ दिया इस गाने में. वी हैव एक्चुअली मेड अ सॉन्ग ऑन लाइफ वी मेड अ सॉन्ग ऑन हाउ लाइफ इज़ शॉर्ट एंड पासिंग बाय एंड हाउ यू शुड कैप्चर एवरी मोमेंट और उसको हमने बारिशों में पिरोया है. बाकी अन्वेषा बोलेंगी आपसे. रोमांस इज एक्चुअली अ ब्रॉड टर्म अकॉर्डिंग टू मी. आजकल के ज़माने में बहुत इसको मतलब बहुत ही एक ऐसे इट्स वी सी इट फ्रॉम अ वेरी नैरो लेंस नैरो पर्स्पेक्टिव कि रोमांस मतलब दो लोगों के बीच में प्यार हो रहा है. रोमांस इज ऑल्सो गेटिंग ड्रेंच्ड इन द रेन व्हेन वी जब हम बारिशों में भीगते हैं वी आर रोमांसिंग विथ नेचर. सो रोमांस इज अ रियली ब्रॉड टर्म तो जिसका बारिश के साथ बहुत ही बड़ा ताल्लुक है गहरा रिश्ता है. एग्जैक्टली सो पर ये बहुत कैजुअल गाना है इसमें आप मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत ही ज्यादा इंटीमेटली रोमांटिक है. दिस इज मोर लाइक हैविंग फन इन द रेन. तो इसके जो मूड्स है बड़े कैजुअल हैं और बहुत ही मतलब अनायास हैं जो आपको नजर आता है गाने में. जैसे गाना है गाने की कोरियोग्राफी भी आल्सो वी आर टॉकिंग अबाउट यू नो लाइक हाउ वी हैव टू थॉट प्रोसेस होता है कि यहां पर यू नो ये गाना है गाने इस तरह से यू हैव टू मोल्ड एंड यू हैव टू यू नो इसका कोरियोग्राफी इस तरह से करना है समथिंग ऑन द जैसे कि डायरेक्शन आल्सो
गाना हालांकि मैंने डायरेक्ट किया, सारा कुछ किया, लेकिन कोरियोग्राफिक जो एस्पेक्ट है इस गाने का कि द लिटिल मूव्स दैट वी हैव डन, उसका श्रेय अन्वेषा को जाता है, तो वो आपको बताएंगी कि किस तरह से उन्होंने कंसीव किया। बताने जैसा कुछ इतना नहीं है, मतलब देयर आर सम बेसिक, इफ यू लाइक बीइंग पार्ट ऑफ अ प्रोडक्शन, बीइंग पार्ट ऑफ अ कोलैबोरेशन, देन यू आल्सो कोलैबोरेट क्रिएटिवली, तो वो एक छोटी छोटी इनपुट्स शूटिंग के दौरान जो आई थिंक अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट डू दैट, सो इट्स नॉट एन एक्सेप्शन, तो इसमें बताने वाली कोई बात नहीं है, तो वो इनपुट्स मैंने दिए शूटिंग के दौरान एंड ही वॉज रियली ग्लैड दैट आई participated in that whole creative process. This is your third album together and it's always all the three have been successful, you know, like this is a hat trick. Aap logo ka dono ka jo combination hai wo, you know, that's too good. What have you to say on that of itne saal se, lekin aap log kaam kar rahe ek dusre ke saath, ek dusre ko samajhte something on your combination, like, you know, aap logo ka teen album hit ho gaye. Gaane maine bahut, I think this is our 12th single together. I think so. पिछले तीन गाने हमने बहुत बड़ा शूट किया. हाँ, exactly. We have not shot large, many large videos. गाने बहुत सारे साथ में किए हैं. लेकिन तीन गानों के लिए हमने बहुत इस तरह के lavish music videos के साथ हमने present किया है तीन गानों को. तो वो गाने सबको पसंद आए videos के साथ. We are glad and I am glad that he वो अगर चाहते तो किसी और singer के साथ भी collaborate कर सकते थे. वो regularly independent music करते हैं अपने फिल्मी प्रोजेक्ट्स के साथ साथ. आई एम थैंकफुल दैट ही चोज मी फॉर द कोलैबोरेशंस. ऑल्सो मुझे लगता है कि यू नो वी हैव सिनेमैटिक वॉइसेस, तो व्हेन अ सिनेमैटिक वॉइस इज प्रोजेक्टेड विद अ लार्ज वीडियो, तो आज के डेट में ऑडियंस गाने देखती है, तो उनके लिए भी व्हेन दे सी अ लार्ज कैनवस वीडियो, वो एक बहुत बड़ा गाने को एक उड़ान, एक परवाज ज़रूर देता है. Sure. और मैं क्योंकि कुदरत का आदमी हूँ और मुझे भारत के चप्पे चप्पे से मैं वाकिफ़ हूँ, मैं वीरान जगहों पे भटकता रहता हूँ, तो मैं हमेशा आउटडोर लैविश शूट्स पसंद करता हूँ, पहाड़ों में, जंगलों में, सागर किनारे. मेरे बहुत से कम गाने आप देखेंगे जो एक आर्टिफिशियल स्टूडियो के अंदर शूट हुआ हो. आई मोस्टली लाइक द ओपन एक्सपेंसेस, सो फ्रॉम लद्दाख टू द कोस्टल इंडिया, फ्रॉम राजस्थान टू द मैंग्रोव्स, मैंने हर तरह के जियोग्राफिक लैंडस्केप्स में शूट किया है. और मुझे लगता है भारत की यही खासियत है कि हमारे पास वो सब कुछ है जो इस दुनिया में है, एक ही देश के अंदर. और उसको जहन में रखते हुए अगर हम शूट करें तो वी कैन मेक वीडियोस विच आर फ्रेश एंड न्यू, विच द वर्ल्ड हैज़ नॉट सीन. इसके बजाय कि हम हमेशा स्टूडियो में जाके आर्टिफिशियल लाइट्स में सेट्स बना के गाने बनाए. एज ए डायरेक्टर, आप अपने अंदर के कलाकार को किस तरह से संभालते थे, कैसे उसको प्रेजेंट करते थे? जैसे मैंने आपको बोला कि मैं बहुत ज़्यादा विजुअली कुदरत से उत्प्रेरित हूँ, और मेरे ज़्यादातर जो गाने हैं जिनका मैंने म्यूज़िक वीडियोस किया, मैंने बहुत से बॉलीवुड के नामचीन सिंगर्स, फ्रॉम श्रेया घोषाल टू सोनू निगम टू हरिहरन साहब, गुलजार साहब, बहुतों के साथ नॉन फिल्म सिंगल्स बनाए. और हमेशा कोशिश ये करता हूँ कि मेरे जो कॉम्पोजिशन है उस कॉम्पोजिशन के साथ जो विजुअली उसको कुछ नायाब लाना, कुछ ऐसा लाना जो ऑडियंस ने पहले ना देखा हो. मैंने पिछले साल एक शॉर्ट फिल्म भी डायरेक्ट की और कुछ और फिल्में आने वाली है मेरे डायरेक्शंस में, तो उसमें आप देखेंगे कि मेरा एक जो रुझान है दैट इज़ ऑलवेज टुवर्ड्स नेचुरल स्पेसेस, इट इज़ ऑलवेज टुवर्ड्स सनलाइट, रेनफॉल, क्लाउड्स, ओशंस, रिवर्स, फॉरेस्ट्स, एंड आई लाइक टू डू दोज काइंड ऑफ शूट्स आउटडोर्स बेसिकली. जी, जस्ट टॉक अबाउट योर, अभी आपको एक अवार्ड मिला था, समथिंग ऑन दैट आल्सो, लाइक इट वाज अ वेरी प्रेस्टिजियस अवार्ड. देखिए, मेरी ज़िंदगी के दो पहलू है. एक पहलू जिससे सब वाकिफ़ है कि मैं बॉलीवुड संगीतकार हूँ, और दूसरा पहलू ये है कि बचपन से ही मैं भारत सरकार के लिए बाघ गणना करता हूँ. बाघ गणना से आप लोग वाकिफ नहीं होंगे, इट इज़ बेसिकली टाइगर सेंसस, कि जो बाघों की संख्या आपके सामने आती है हर चार साल में, उसमें हमारे जैसे लोग फील्ड में जाके एक्चुअली बाघ गिनते हैं. तो ये बचपन से 14 साल की उम्र से मैं करता हूँ. और आज से कई साल पहले जब एक बार मेरी पोस्टिंग हुई थी तो एक ऐसी पहाड़ी पे मैं जा दमका जिसमें खेती हो रही थी और उसके चारों तरफ जंगल जंगल बसा हुआ था. सो इट वाज अ नेचुरल मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जोन. तो मैंने ये सोचा कि ये एक ऐसी ज़मीन है जो विच इज़ वेटिंग टू बी रिटर्न बैक टू द फॉरेस्ट. तो एक बहुत ही पागलपन वाला डिसीजन था मेरा कि मैंने अपनी सारी पूंजी लगाकर धीरे धीरे वो ज़मीन खरीद ली और उसको जंगल में परिवर्तित किया, कई हज़ार पेड़ लगा के, जलाशय बना के जानवरों के लिए. और
2013 में एक वाइल्ड टाइग्रेस ने आके मेरी ज़मीन पे बच्चे दे दिए, तो उसके बाद जो मेरी ज़मीन थी सीतापनी वाइल्ड लाइफ रिज़र्व के नाम से, वो मशहूर हो गया दुनिया भर में, इंटरनेशनल प्रेस मीडिया सब आए। और मैंने ये दिन कभी नहीं देखा था कि मैं उपराष्ट्रपति, हमारे देश के उपराष्ट्रपति जी के हाथ से ये पुरस्कार लूँगा, अमेजिंग इंडियन अवार्ड, जिसमें मुझे प्रधानमंत्री मोदी साहब से भी रिटन लेटर मिला है। और ये दिन मैंने कभी नहीं देखा जब मैंने वो बंजर पहाड़ी खरीदी थी, कि एक ऐसा दिन भी आएगा जो जब सीतापनी वाइल्ड लाइफ रिज़र्व भारत का पहला प्राइवेट वाइल्ड लाइफ रिज़र्व बनेगा विथ वाइल्ड टाइगर एंड लेपर्ड प्रेजेंस। जी, तो मुझे एक्चुअली टेलीविजन इंडस्ट्री में, मैं बहुत एस्टेब्लिश था दिल्ली में, लेकिन टेलीविजन इंडस्ट्री से फिल्म इंडस्ट्री में लाने वाले जो शख्सियत है वो गुलजार साहब हैं, और उनके साथ मेरे बहुत सारा काम है। हमारे पहले कुछ एल्बम्स जैसे उदास पानी, रात चांद और मैं, कब आते हो, और उसके बाद बहुत सारे सिंगल्स जो है वो मशहूर हुए, और उन्होंने मुझे पहली बार बॉलीवुड में एक अपनी ज़मीन बनाने का मौका दिया। तो मैं गुलजार साहब के की शैली से बहुत ज़्यादा उत्प्रेरित हूँ, और बहुत कच्ची उम्र में, क्योंकि मैंने उनके साथ काम किया, तो मुझे तभी से भाषा की और जो मेरा रुझान था उसको मैंने और चिजल किया, जस्ट टू फेस गुलजार साहब, बिकॉज आई डिड नॉट वॉन्ट अ सिचुएशन वेयर ही इज़ राइटिंग अ वर्ड और मुझे पता नहीं है कि ये क्या शब्द है, और मैं वाकिफ़ नहीं हूँ कि क्या उन्होंने लिखा। तो उनकी जो खूबसूरती है, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात को वो बहुत सहज अंदाज से कह जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं गुलजार इज़ एन इंटेलेक्चुअल पोएट, पर मैं डिसएग्री करता हूँ इस बात से, क्योंकि मुझे लगता है कि वो बहुत गहरी बातों को बहुत सहज शब्दों में कह जाते हैं, और वही सार है अच्छे फिल्म लिरिक्स का। आई मीन अ सॉन्ग लाइक तुम आ गए हो नूर आ गया है, अब जो ये पहला लाइन है ये बहुत कॉमन लाइन है जो हम आम तौर पे यूज़ करते हैं कि तुम आ गए हो रौनक आ गई है, तुम आ गए हो नूर आ गया है, लेकिन दूसरा लाइन वो क्या कहते हैं, दूसरे लाइन में कहते हैं कि नहीं तो चरागों से लौ जा रही थी। सो दैट इज़ गुलजार, इन विच यू से समथिंग वेरी प्रोफाउंड इन वेरी वेरी सिंपल वर्ड्स। तो मैंने उनसे ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा है अबाउट फिल्म मेकिंग, अबाउट लिरिक्स, अबाउट म्यूज़िक। हाँ, सबसे बड़ा जो मैंने सीखा है वो ये है कि फिल्मों में जो अगर आप फिल्म के कलाकार हो तो नेवर मेक एनीथिंग विच इज़ टू कॉम्प्लिकेटेड, सहज और यूनिक चीज़ें बनाना जो है सबसे मुश्किल होता है। आने वाले दिनों में लास्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर योर प्लान्स एक्चुअली, अन्वेषा के साथ और आगे कुछ क्या काम करना है और क्या कुछ सोचा है आपने, एंड सिंगल एल्बम्स को यू बीन ऑलवेज प्रमोटिंग लाइक यू नो एक प्लेटफॉर्म आप दे रहे हो जी, समथिंग ऑन दैट। तो मैं फिलहाल सिंगल्स के अलावा एक सोनी लिव के लिए बहुत अच्छे सीरीज़ का म्यूज़िक कर रहा हूँ, जिसका डायरेक्टर है तिग्मांशु धुलिया साहब, और उसमें भी कई गाने हैं, और आने वाले टाइम पे आप फिल्मों में सीरीज़ में मेरे गाने सुनेंगे, और उसके अलावा सिंगल्स में भी कुछ बेहतरीन गाने सुनेंगे। अन्वेषा मेरे लिए बहुत सालों से गा रही है, और बहुत ही मेरे साथ उसका एक अनायास ट्यूनिंग है, एंड शी इज़ एन एक्सट्रीमली वर्सटाइल सिंगर, शी इज़ अ वेरी एक्यूरेट सिंगर। मुझे उनके साथ गाने बनाने में बहुत कम मेहनत करनी पड़ती, ज़्यादा सुनेंगे, क्योंकि इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स वी हैव डन सम वेरी गुड वर्क टुगेदर। मेरे साथ इनका एक बहुत अनायास वर्किंग केमिस्ट्री है, और गानों को बहुत बाखूबी निभाती है, और मुझे ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती, क्योंकि वॉइस कल्चर किस तरह से किसी गाने को निभाना है वो समझ जाती है। और एक बहुत खूबसूरत सा गाना हमने हाल ही में रिकॉर्ड किया है, विच इज़ अ वेरी इंडियन सॉन्ग विद अ लॉट ऑफ परकशन। गाना ये डिमांड करता है कि हम उसे किसी ओपन स्पेसेस में जाके राजस्थान, कच्छ या गुजरात में शूट करें, तो मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम वो गाना प्रोड्यूस करके आपके सामने लाएंगे। बाकी अन्वेषा जी आपसे कहेंगे। या दीज आर सम ऑफ द वंडरफुल प्रोजेक्ट्स दैट आई एम अ पार्ट ऑफ, दीज आर ऑल्सो माई फोर्थ कमिंग प्रोजेक्ट्स, पार्ट ऑफ माई फोर्थ कमिंग प्रोजेक्ट्स। लेकिन उससे अलावा मेरे फिल्मी गानों की अगर मैं बात करूँ तो एक बहुत खूबसूरत गाना अभी चल रहा है जो फिल्म हिंदी में चल रही है, सीतारमन, उसमें आप सुन ही रहे हैं द टाइटल सॉन्ग ऑफ दैट। बहुत खूबसूरत गाना है सीतारमन का जो टाइटल सॉन्ग है, एंड इज डूइंग वेरी वेल, एंड शी हैज संग इट वेरी ब्यूटीफुली। बहुत दिनों के बाद एक फ्रेश कॉम्पोजिशन कानों में आया, आप बताइए। थैंक यू। नहीं, दैट्स वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स आई वाज टॉकिंग अबाउट। उसके अलावा भी, क्योंकि आई एम अ मल्टीलिंगुअल आर्टिस्ट, तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि अलग अलग रीजन से कंपोजर्स मुझे बुलाते हैं, तो गुजराती, मराठी और साउथ के चारों लैंग्वेजेस में आने वाले दिनों में कई गाने आप मेरे सुनेंगे हिंदी के अलावा। थैंक यू। Could you hum that song like that? Sitaraman wala like that. Haan, zarur. Haan, yeah, please. Oh, Rama,
तुझे ही रब माना है जन्म जन्म, तुझे ही मैंने पाना है, चेहरा तेरा मेरे सामने हो, मुझसे बोले मेरी ये नजर, दुनिया देखे मुझे सारी तुझ में, तेरा होने लगा जो असर, मैं हूँ तेरी तू है मेरा सदियों तक यही लिखा होगा, ओ रामा तुझे ही रब माना है जन्म जन्म, तुझे ही मैंने पाना है। थैंक यू, वेरी गुड। कह रहा था कि रोलिंग, मैं ये कह रहा था कि बहुत सारे फिल्में सीरीज और नॉन फिल्म एल्बम्स का म्यूजिक मैं एक साथ कर रहा हूँ। आई एम डूइंग अ सीरीज कॉल्ड गर्मी विद तिग्मांशु धूलिया, एंड मेरे आने वाली फिल्मों में और सिंगल्स में अन्वेषा जी को आप काफ़ी ज़्यादा सुनेंगे, क्योंकि इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स वी हैव डन सम वेरी गुड वर्क टुगेदर। मेरे साथ इनका एक बहुत अनायास वर्किंग केमिस्ट्री है और गानों को बहुत बाखूबी निभाती है, और मुझे ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती क्योंकि वॉइस कल्चर किस तरह से किसी गाने को निभाना है वो समझ जाती है। और एक बहुत खूबसूरत सा गाना हमने हाल ही में रिकॉर्ड किया है, विच इज़ अ वेरी इंडियन सॉन्ग विद अ लॉट ऑफ परकशन। गाना ये डिमांड करता है कि हम उसे किसी ओपन स्पेसेस में जाके राजस्थान, कच्छ या गुजरात में शूट करें, तो मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम वो गाना प्रोड्यूस करके आपके सामने लाएंगे। बाकी अन्वेषा जी आपसे कहेंगे। या दीज आर सम ऑफ द वंडरफुल प्रोजेक्ट्स दैट आई एम अ पार्ट ऑफ, दीज आर आल्सो माय फोर्थ कमिंग प्रोजेक्ट्स, पार्ट ऑफ माय फोर्थ कमिंग प्रोजेक्ट्स। लेकिन उससे अलावा मेरे फिल्मी गानों की अगर मैं बात करूँ तो एक बहुत खूबसूरत गाना अभी चल रहा है जो फिल्म हिंदी में चल रही है, सीतारमन, उसमें आप सुन ही रहे हैं द टाइटल सॉन्ग ऑफ दैट। बहुत खूबसूरत गाना है सीतारमन का जो टाइटल सॉन्ग है, एंड इज डूइंग वेरी वेल एंड शी हैज संग इट वेरी ब्यूटीफुली। बहुत दिनों के बाद एक फ्रेश कॉम्पोजिशन कानों में आया, आप बताइए। थैंक यू। नहीं नहीं, दैट्स वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स आई वाज टॉकिंग अबाउट। उसके अलावा भी क्योंकि आई एम अ मल्टीलिंगुअल आर्टिस्ट, तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि अलग अलग रीजन से कंपोजर्स मुझे बुलाते हैं, तो गुजराती, मराठी और साउथ के चारों लैंग्वेजेस में आने वाले दिनों में कई गाने आप मेरे सुनेंगे हिंदी के अलावा। थैंक यू। Could you hum that song like that again? Which one? Sitaraman wala like that. Haan, zarur. Oh yeah, please. Yeah. Oh Rama, tujhe hi rab mana hai, janmo janam, tujhe hi maine paana hai, chehra tera mere saamne ho, mujhse bole meri ye nazar, duniya dekhe mujhe saari tujhe mein, tera hone laga jo asar, मैं हूँ तेरी तू है मेरा सदियों तक यही लिखा होगा, ओ रामा तुझे ही रब माना है जन्म जन्म, तुझे ही मैंने पाना है। थैंक यू, वेरी गुड।